दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ आइफैक्टनर के लर्न इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग इन हिंदी एंड उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम ओ से शुरू होने वाले इंग्लिश वर्ड्स को यूज़ करते हुए इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाएंगे और उन वर्ड्स के मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ उन सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी और उर्दू में। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। वर्ड है ऑयल। ऑयल का मीनिंग है तेल, जैसा कि इंजन ऑयल, कुकिंग ऑयल, कोकोनट ऑयल, इंजन का तेल, खाने पकाने का तेल, नारियल का तेल वगैरह वगैरह। सेंटेंस है वेयर इज़ द कुकिंग ऑयल, खाने पकाने का तेल कहाँ पर है। ओके, जिससे हम कहते हैं ठीक है। ओके का मीनिंग है ठीक है। ओके आई विल बी देयर, ठीक है मैं वहाँ पर हूँगा। और ओके के जो सही फॉर्म है वो है ओ के ए वाई, ओके ठीक है, ओके यू कैन कम, ठीक है आप आ सकते हैं। वर्ड है जी ओल्ड। ओल्ड पुराने को भी कहते हैं। ओल्ड जब हमने किसी से पूछना हो कि तुम कितने साल के हो, आपकी उम्र क्या है, उस वक्त भी यूज़ करते हैं। या ओल्ड बूढ़े को भी कहते हैं, कोई बूढ़ा हो, कोई बड़ी उम्र का हो तो उसे भी ओल्ड कहा जाता है। यहाँ पे हमने कहा हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं। ही इज़ ओल्ड, वो बूढ़ा है, वो मतलब बड़ा है। और द फर्नीचर इज़ ओल्ड, फर्नीचर पुराना है। ओलंपिक, ओलंपिक आपको पता है कि जो गेम्स होती हैं, ओलंपिक गेम्स साल में चार साल के बाद पूरी वर्ल्ड जिसमें हिस्सा लेती है उसको कहा जाता है। यहाँ पे हमने कहा ही वन एन ओलंपिक मेडल, कि उसने ओलंपिक्स में एक मेडल जीता। ऑन, ऑन का मीनिंग होता है ऊपर। व्हाट्स ऑन द टीवी, टीवी पर क्या है। ऑन, ऑन द बेड, बेड पर। ऑन द टीवी, टीवी पर। ऑन द कार, कार के ऊपर, ठीक है। अपॉन, अपॉन का मतलब होता जिस हम कहते हैं ना वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग, एक दफ़ा का जिक्र है, एक बादशाह था। तो ज़्यादातर हम स्टोरीज़ के लिए अपॉन, वंस अपॉन अ टाइम को यूज़ करते हैं। वन मीनिंग एक, आई नीड वन, मुझे एक की ज़रूरत है। आपके पास मोबाइल फ़ोन के हेडफोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स के, जी कितने चाहिए। आई नीड वन, वन पेयर, मुझे एक पेयर की ज़रूरत है। ऑन गोइंग, ऑन गोइंग का मीनिंग है चलता, जो चल रहा हो, जो जा रहा हो, जैसा ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, ऑन गोइंग वर्क, जो जारी हो, जैसा कि इट्स एन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, ये चलता हुआ प्रोजेक्ट है, ये जारी प्रोजेक्ट है, इस पर काम हो रहा है। अनियन, प्याज को कहते हैं, गंडे को कहते हैं। अनियन हैज़ मैनी हेल्थ बेनिफिट्स, प्याज के बहुत से सेहत से रिलेटेड फ़ायदे हैं। ऑनलाइन, जिस तरह आप ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं, ऑनलाइन मतलब इंटरनेट के ऊपर, अब जब आप लाइन के साथ कनेक्टेड हों, इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हों, तो उस वक्त आप ऑनलाइन हैं। और इसका ऑपोजिट जो है वो है ऑफलाइन वर्ड जो है। आई टीच ऑनलाइन, मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। ओनली सिर्फ, आई ओनली वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मैं सिर्फ अंग्रेज़ी सीखना चाहता हूँ। ऑन टू मतलब उसके ऊपर, लेट्स गेट ऑन टू दिस बस, चलो इस बस पर चढ़ते हैं। ओपन खोलना, आई एम गोइंग टू ओपन माई गिफ्ट्स, मैं अपने तोहफे खोलने जा रहा हूँ। ओपनिंग खुलती हुई, ठीक है, जिसका ओपनिंग सेरेमनी होती है। व्हेन इज़ द ओपनिंग सेरेमनी,
ओपनिंग यानी कि जो शुरू की सेरेमनी, जिस तरह ओलंपिक गेम्स की हो गई, क्रिकेट गेम्स की हो गई, हम पूछें कि ओपनिंग सेरेमनी कब होगी। ऑपरेट, ऑपरेट क्या करना, जिस तरह ऑपरेशन, ऑपरेशन करने को कहते हैं ऑपरेट। द सर्जन्स ऑपरेट, सर्जन्स ऑपरेशन करते हैं, और उसी से निकला है ऑपरेटिंग, यानी कि ऑपरेट करना, ऑपरेशन जब हो रहा हो। द डॉक्टर इज ऑपरेटिंग ऑन द पेशेंट, डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन कर रहा है। आवर कंपनी इज ऑपरेटिंग इन द सर्विस सेक्टर, हमारी कंपनी सर्विस सेक्टर में काम कर रही है, तो काम करने को भी आप ऑपरेशन या ऑपरेट करना कह सकते हैं। जिस तरह के मोबाइल टेलीफोन ऑपरेटर्स होते हैं, मोबाइल ऑपरेटर्स होते हैं जो मोबाइल की सर्विसेज देते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स या इंटरनेट सर्विस ऑपरेटर्स होते हैं जो इंटरनेट की सर्विसेज देते हैं। ऑपरेशन ऑपरेट से ही निकला है, द ऑपरेशन इज अंडर वे, ऑपरेशन हो रहा है। अब डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन कर सकते हैं, या पुलिस भी गैंगस्टर्स के खिलाफ ऑपरेशन कर सकती है। ऑपरेटर्स ऑपरेट करने वाले, जैसा कि हमने कहा, देयर आर डिफरेंट टेलीकॉम ऑपरेटर्स इन दिस कंट्री, इस मुल्क में मुख्तलिफ टेलीकॉम से रिलेटेड काम करने वाले हैं। ओपिनियन, ओपिनियन होती है राय, व्हाट्स योर ओपिनियन, आपकी राय क्या है। ओपोनेंट मुखालिफ, ही इज़ माई ओपोनेंट, वो मेरा मुखालिफ है। अपॉर्चुनिटी होती है मौका, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, इस मौके को ज़ाया ना करो, इस मौके को मिस ना करो। अपोज, अपोज होता है मुखालफत करना, वाई डू यू ऑलवेज अपोज मी, आप हमेशा मेरी मुखालफत क्यों करते हैं, वाई डू यू ऑलवेज अपोज मी। ऑपोजिट, जो जिस मैग्नेट के ऑपोजिट पोल्स होते हैं, मुखालिफ सिम्स के पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। यहाँ पे हमने कहा ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्ट ईच अदर, मुखालिफ सेक्स जो है वो आपको अट्रैक्ट करती है ज़्यादातर, जिसा लड़का और लड़की। ऑपोजिशन, ऑपोजिशन जो मुखालफीन हों, जो मुखालफत में बैठे हों, जिसा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक गवर्नमेंट की पार्टी होती है और दूसरी ऑपोजिशन होती है। आई एम इन द ऑपोजिशन पार्टी, मैं ऑपोजिशन पार्टी में हूँ, मैं मुखालिफ पार्टी में हूँ। ऑप्शंस, जैसा हम पूछ सकते हैं व्हाट ऑप्शंस डू आई हैव, मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं, कि मैं क्या ये काम कर सकता हूँ या ये कर सकता हूँ या ये कर सकता हूँ। इन तीनों ऑप्शंस में से, ए बी सी में से आपने सेलेक्ट करनी है। और मीनिंग होता है या, आई कैन स्टे और आई कैन गो, मैं ठहर सकता हूँ, मैं रुक सकता हूँ, या मैं जा सकता हूँ। ऑरेंज माल्टाई को कहते हैं, या फिर ऑरेंजेस जो होते हैं, माल्टे होते हैं। जिसा ही इज़ वेयरिंग एन ऑरेंज शर्ट, के उसने एक माल्टाई रंग की कमीज पहनी हुई है। और आई लव ऑरेंजेस, मुझे माल्टे पसंद हैं, आई लव ऑरेंजेस। ऑर्डर, ऑर्डर हुक्म करना, द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, मास्टर ने अपने सर्वेंट को, अपने मुलाजिम को हुक्म दिया। ऑर्डिनरी आम सा, आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी मैन, मैं एक आम सा आदमी हूँ। ऑर्डिनरी आम, और स्पेशल जो होता है वो है खास। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक जो होता है वो होता है जिसका बिल्कुल असली हो, जिसका ऑर्गेनिक फूड होता है, जो कि खाद के बगैर या फिर आर्टिफिशियल खादों के बगैर उगता है। दिस फूड इज़ ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक फूड है। दिस हनी इज़ ऑर्गेनिक, ये असली यानी कि असली शहद है, इसमें मिलावट नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन
तंजीम को कहते हैं आई एम वर्किंग इन अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, मैं एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ। ऑर्गेनाइज कोई चीज़ मुनज़्ज़म करना, लेट्स ऑर्गेनाइज फॉर द रैली, चलें रैली के लिए मुनज़्ज़म होते हैं। आई एम ऑर्गेनाइजिंग माई रूम, मैं अपने कमरे को ठीक कर रहा हूँ, उसको ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, यानी कि चीज़ें सेट करके रख रहा हूँ। ओरिएंटेशन, जिस तरह आप किसी नए स्कूल में जाते हैं, किसी नए ऑफिस में जाते हैं, तो आपको जब वो बताते हैं स्कूल के बारे में या ऑफिस के बारे में, कॉलेज के बारे में, तो उसको कहते हैं आपको वो ओरिएंटेशन दे रहे हैं। आई विल गिव एन ओरिएंटेशन सेशन, मैं ओरिएंटेशन सेशन दूंगा इस कोर्स के बारे में, इस लेसन के बारे में। ओरिजिन, ओरिजिन होते हैं जहाँ से शुरुआत होती है। व्हाट्स द ओरिजिन ऑफ दिस स्टोरी, ये कहानी कहाँ से शुरू हुई, मतलब इसने किसने शुरू किया, कैसे शुरू हुई। व्हाट्स द ओरिजिन ऑफ दिस स्टोरी। ओरिजिनल, असली, दिस इज़ एन ओरिजिनल आइफैक्टनर शर्ट, ये आइफैक्टनर की असली कमीज है। ओरिजिनल, असली। ओरिजिनली मतलब बुनियादी तौर पे, असल में। ओरिजिनली आई एम फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम बट नाउ डेज आई एम लिविंग इन जापान। कहता है कि ओरिजिनली मैं यूनाइटेड किंगडम से हूँ, असल में तो मैं यूनाइटेड किंगडम का रहने वाला हूँ, लेकिन आजकल मैं जापान में रह रहा हूँ। अदर, अदर है दूसरा। वेयर इज़ द अदर सूट, दूसरा सूट कहाँ पे है। अदर्स, दूसरे। वी शुड रिस्पेक्ट अदर्स, हमें दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अदरवाइज, वरना, जिस हम कहते हैं ना ये कर लो वरना मैं जा रहा हूँ। आई एम रियली बिजी, अदरवाइज आई वुड हैव गॉन विद यू, मैं वाकई ही में मसरूफ हूँ वरना मैं आपके साथ जाता। ऑट, ऑट होते के मतलब जिसकी आप करने की टेंडेंसी हो, जैसा मुझे रात जल्दी सोने की आदत है तो मैं रात को जल्दी सो जाता हूँ, उसकी टेंडेंसी है। मैं कहूँगा आई ओट टू स्लीप इन द डे, मैं दिन में सोने की टेंडेंसी है, यानी कि मैं दिन में सोने की तरफ मेरा रुझान है। आई ओट टू स्लीप इन द डे। आवर, हमारे। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अदब करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। आवर सेल्व्स, खुद ही, अपने आप से हम लोग खुद ही। वी हैव टू कम्प्लीट दिस टास्क आवर सेल्व्स, हमें ये काम खुद ही कम्प्लीट करना पड़ेगा। आउट, बाहर। लेट्स गो आउट, चलें बाहर चलते हैं। आउटकम, किसी चीज़ का आउटकम यानी कि रिजल्ट, नतीजा, उसको कहेंगे। व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ योर रिसर्च, आपकी रिसर्च का नतीजा क्या निकलेगा। आउटसाइड, बाहर। चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। अवन, अवन होते तंदूर। शी इज़ बेकिंग अ केक इन एन अवन, कि वो अवन में केक बेक कर रही है, वो तंदूर में केक बना रही है। ओवर, ओवर होता है ख़त्म हो जाना। द गेम इज़ ओवर, खेल ख़त्म हो चुका है। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द टॉल ट्री, एक चुस्त लूमड़ी ने दरख्त के ऊपर से छलांग लगाई। ओवरऑल मतलब तक पूरा देखा जाए तो पूरा, पूरे तौर पे। ओवरऑल योर प्लान इज़ गुड, ओवरऑल आपका प्लान अच्छा है। ओवरकम,
ओवर कम होता है यानी कि आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है तो आप उसके ऊपर हावी हो जाएं, उसको ओवरकम कर लें। यू शुड ओवरकम योर डेफिशिएंसीज, आपको अपनी कमज़ोरियों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, पूरा करना चाहिए। यू शुड ओवरकम योर डेफिशिएंसीज। डेफिशिएंसीज क्या होती हैं? कमज़ोरियाँ, कमियाँ, जो कमी हो। ओवरलुक्ड, ओवरलुक्ड यानी कि जिससे आपने कोई गलती की हो मैं उसको ओवरलुक कर दूँ, उसको इग्नोर कर दूँ और मैं आगे की बात करूँ तो वो ओवरलुक करना होता है। ही ओवरलुक्ड दीज मिस्टेक्स, कि उसने इन गलतियों को नहीं देखा। आई विल ओवरलुक योर मिस्टेक्स, मैं आपकी गलतियों को इग्नोर कर दूँगा, ओवरलुक कर दूँगा। ओ होता है कि कितने पैसे देने हैं या कितने जिसका कर्जा देना हो किसी का। हाउ मच डू आई ओ यू, मैंने आपको कितने देने हैं, मैंने आपके कितने पैसे देने हैं, मैं आपका कितने का मकरूज हूँ। ओन, ओन होता है अपना, या फिर कोई चीज़ जब आप उसको उसके मालिक हों तब भी उसको ओन करना कहते हैं। जैसा आई ओन अ ब्लू कार, मैं एक नीली गाड़ी का मालिक हूँ। ही इज़ आवर ओन सन, वो हमारा अपना बेटा है। ओनर मालिक को कहा जाता है। ही इज़ द ओनर ऑफ दिस शॉप, वो इस दुकान का मालिक है। फिर है जी पेस, पेस होता है स्पीड आपकी। वी आर गोइंग एट अ गुड पेस, हम एक अच्छी स्पीड से जा रहे हैं, हम एक अच्छी रफ्तार से जा रहे हैं। पैक, पैक करना बांधना। लेट्स पैक आवर लगेज, चलें अपना सामान बांधते हैं। इसके अलावा जो भेड़ियों का झट्टा होता है, ग्रुप होता है, उसको भी पैक कहा जाता है, जिसमें पैक ऑफ वोल्व्स, पैक ऑफ बियर। और पैक से ही निकला है पैकेज, जिस चीज़ को बांधा हो वो पैकेज हो जाता है। जिस तरह द पोस्टमैन डिलीवर्ड दिस पैकेज फॉर यू, कि पोस्टमैन आपके लिए पैकेज डिलीवर करके गया है, छोड़ के गया है। पेजेस, सफ़े, सफ़ाहात। देयर आर 200 पेजेस इन दिस बुक, इस किताब में 200 पन्ने हैं, सफ़े हैं। पेन, दर्द। ही इज़ इन पेन, वो दर्द में है। पेनफुल, दर्द से भरा हुआ। द ऑपरेशन इज़ पेनफुल, ऑपरेशन पेनफुल है, ऑपरेशन यानी कि दर्द नाक है, दर्दनाक। पेंट, पेंट करना, रंग करना। लेट्स पेंट दिस रूम, चलें इस कमरे को रंग करते हैं। पेंटर, पेंट करने वाले को कहते हैं। द पेंटर इज़ पेंटिंग, पेंटर पेंट कर रहा है। पेंटिंग, जो तस्वीर पेंट की हो उसको कहेंगे। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल पेंटिंग, ये एक खूबसूरत तस्वीर है। पेयर, पेयर होता है जोड़ा। जिसा आई नीड अ न्यू पेयर ऑफ शूज़, मुझे एक नए जोड़े जूतों के नए जोड़े की ज़रूरत है। पेयर जोड़ा। पेल, पेल होता है जिसा आप येलोइश कलर, पीला। वाई एम आई पेल, मैं पीला क्यों हूँ। फिर है जी पैलेस्टीनियन, फलस्तीन के रहने वाले को कहा जाएगा। जैसा कि हमने कहा ही इज़ अ पैलेस्टीनियन, वो एक फलस्तीनी है। पाल्म, पाल्म होते हैं आपके हाथ के, ये जो पाम होता है हाथ। आई कैन रीड पाम्स, मैं हाथों को पढ़ सकता हूँ, हथेली को कहेंगे पाम। इसके अलावा पाम ट्रीज़ भी होते हैं, जो खजूर की तरह के ट्रीज़ होते हैं उनको कहा जाता है। आई लव पाम ट्रीज़, मुझे पाम के दरख्तों से प्यार है। पैन, पैन होता है बर्तन। वॉश दिस पैन, इस बर्तन को धो, वॉश दिस पैन। पैनल, कोई
कोई भी पैनल हो सकता है, जैसा सोलर पैनल होते हैं, जो सोलर का सेल होता है उसको सोलर पैनल भी कहा जाता है। या फिर आप किसी पैनल में हो सकते हैं, जैसा डॉक्टर्स का पैनल होता है कि उन्हें डिसाइड करना हो कि इस मरीज़ के साथ क्या करना है। यहाँ पे हमने कहा आई एम इन अ पैनल, मैं एक पैनल में हूँ। पैंट्स, पैंट्स होती हैं पतलून, जैसा आई लव माई ब्राउन पेयर ऑफ पैंट्स, मुझे अपनी भूरी पतलून से प्यार है। पेन, कलम को कहते हैं, आई नीड अ पेन एंड अ पेपर, मुझे एक कलम और एक पढ़ने की ज़रूरत है, सफ़े की ज़रूरत है। पेरेंट्स, पेरेंट्स कहा जाता है वालिदैन को, माँ बाप को, माता पिता को। आई विल अटेंड अ पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग, मैं पेरेंट टीचर मीटिंग को अटेंड करूँगा। पार्क, पार्क जैसा कोई छोटा सा बागीचा हो उसको भी कहते हैं। या वर्ब के तौर पे जब आपने कोई गाड़ी खड़ी करनी है कहीं पे, मोटरसाइकिल खड़ी करनी है, तो आप पार्क करते हैं। यहाँ पे हमने कहा ही इज़ स्ट्रोलिंग इन द पार्क, कि वो बाग में चक्कर लगा रहा है, चल रहा है। स्ट्रॉल का मतलब होता है चहलकदमी करना। और आई नीड टू पार्क माई कार, मुझे अपनी गाड़ी पार्क करने की ज़रूरत है। इसी तरह होता है पार्किंग, पार्किंग जहाँ पे आप पार्किंग लॉट, पार्किंग की प्लेस जहाँ पे आप गाड़ी खड़ी करते हैं। यू कैन पार्क योर कार इन द पार्किंग लॉट, आप अपनी गाड़ी पार्किंग लॉट में खड़ी कर सकते हैं। यू कैन पार्क योर कार इन द पार्किंग लॉट। पार्ट, हिस्से, आई नीड ऑल द पार्ट्स टू असेंबल दिस टॉय, इस खिलौने को जोड़ने के लिए मुझे सारे हिस्सों की ज़रूरत है। या फिर आई एम टेकिंग अ पार्ट इन अ स्कूल्स प्ले, मैं स्कूल के ड्रामे में हिस्सा ले रहा हूँ। टेकिंग अ पार्ट, हिस्सा लेना, पार्ट एक हिस्सा। पार्टिसिपेंट्स, जो हिस्सा लेने वाले होते हैं, ठीक है, जो पार्टिसिपेट करते हैं। देयर आर 100 पार्टिसिपेंट्स इन दिस कॉन्फ्रेंस, इस कॉन्फ्रेंस में 100 हिस्सा लेने वाले हैं। लेट्स पार्टिसिपेट, चलें अपना हिस्सा डालते हैं, हम भी पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेट करना, योर पार्टिसिपेशन इज हाईली रिकार्डेड, आपकी पार्ट जो आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, जो आप हिस्सा ले रहे हो, उसको हम हाईली रिगार्ड करते हैं, उसको हम मतलब रिगार्ड की नज़र से देखते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मैं हूँ आइफैक्टनर, मिलूँगा आपसे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। अंटिल देन, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड डे।